देश भर में कोरोना से युद्ध स्तर पर लड़ाई जारी है। अलग अलग राज्य कोरोना को फैलने से रोकने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जान बचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। दवाइयां, ऑक्सीजन, मेडिकल किट और कोरोना वैक्सीन सभी तक पहुंच सके अगेन और कोरोना वैक्सीन सभी तक पहुंच सके, इसके लिए सरकारें योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही हैं। देश में जहां काफी आबादी दूर दराज के गांव में बसती है, ऐसे में कोरोना वैक्सीन सभी तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है, इसलिए सरकारें अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। बेंगलुरु में एक ऐसा ही गाँव है जहाँ पर ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुँचाने का ट्रायल चलेगा। जिन इलाकों तक सड़क या दूसरा कोई आसान मार्ग नहीं है, वहां ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, जिन्हें फिलहाल नाम दिया गया है मेडकॉप्टर। थ्रोटल एयरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी बेंगलुरु में इसकी शुरुआत कर चुकी है। मुख्य शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर गौरीबिंदूर में ट्रायल शुरू किया जा रहा है, जो कम से कम 30 से 45 दिन तक जारी रहेगा। यह खास तरह का ड्रोन है जिसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन कहा जाता है। वैक्सीन को पहुंचाने में यह बेहद कारगर साबित होगा। इस कार्य के लिए सभी सुरक्षा बिंदुओं का भी खासा ध्यान रखा गया है। रूट प्लानिंग से लेकर उड़ान का वक्त और दिशा सब पर चर्चा हुई, जिसके बाद ही 100 घंटे की प्रायोगिक उड़ान भरने का फैसला किया गया। सफल होने पर वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ और भी अन्य कामों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें, बेंगलुरु के अलावा ड्रोन से वैक्सीन सप्लाई का प्रयोग तेलंगाना में भी जारी रहेगा। अब इन विशेष ड्रोन या मेडिकॉप्टर की खासियत पर भी एक नज़र डाल लेते हैं और जानते हैं कि आम ड्रोन से कितने अलग हैं। इस ड्रोन के दो वर्जन हैं। पहला ड्रोन 1 किलोग्राम का वजन उठाने में सक्षम है और इस वजन के साथ एक बार में 15 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वहीं दूसरा वर्जन 2 किलोग्राम वजन उठाने वाला है और यह 12 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। खर्चे में भी बाकी संसाधनों से बेहद कम है। इसकी 30 किलोमीटर तक की उड़ान पर 500 से 600 रुपए का खर्च आंका गया है। बताया जा रहा है कि अगर ये प्रयोग कर्नाटक और तेलंगाना में सफल होता है तो देश के अन्य राज्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इसके लिए DGCA की अनुमति जरूरी होगी। देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कों का नेटवर्क सही नहीं है या फिर बारिश के चलते या बाढ़ के चलते रास्ते का आवागमन बंद हो जाता है। वहां ऐसे हालात में इसका इस्तेमाल काफी कारगर साबित होगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या है अपनी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।